मध्य प्रदेश रणजी टीम के पूर्व कप्तान और लोकप्रिय क्रिकेटर मोहनीश मिश्रा ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मोहनीश मिश्रा ने भोज क्लब में आयोजित स्पोर्ट्स एंड कल्चर प्रोग्राम ग्रुप के एक कार्यक्रम के दौरान क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इस दौरान मोहनीश मिश्रा ने कहा कि क्रिकेट ने उन्हें 22 सालों तक बहुत कुछ दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि क्रिकेट को वापस किया जाए। मोहनीश मिश्रा ने क्रिकेट से संन्यास की सूचना मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन को पत्र के माध्यम से दी। भोज क्लब में आयोजित स्पोर्ट्स एंड कल्चर प्रोग्राम ग्रुप के कार्यक्रम में संन्यास की घोषणा के दौरान मोहनीश काफी इमोशनल हो गए और आंख से निकल रहे आंसुओं को नहीं रोक पाए। मोहनीश मिश्रा के पहले गुरु और कोच उनके पिता डीपी मिश्रा ने बताया कि मोहनीश ने 22 साल तक क्रिकेट खेला है, अब क्रिकेट को वापस करने का समय आ गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्पोर्ट्स प्रमोटर अरुणेश्वर सिंह देव ने कहा कि मोहनीश ने संन्यास जरूर लिया है, लेकिन वे क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में बसते हैं और वे हमेशा क्रिकेट में सहयोग करते रहेंगे। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इमोशनल तो लगता है, लेकिन मुझे विशेष नहीं लगा, क्योंकि 37 साल उम्र सफिशियंट है, खूब खेला है उन्होंने। अब दूसरों को मौका दो और दूसरों को दो, क्योंकि क्रिकेट से हमें बहुत मिला, उसको बहुत प्यार मिला क्रिकेट से, उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ये 2 साल कोरोना काल के जरूर नुकसान हुआ, तो अब दूसरों को आने दो। शरीर की दम लगता है सबको कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब संन्यास लेना चाहिए। देखिए, मोहनीश मिश्रा जी को मैं उनके पिताजी की वजह से बहुत छोटी उम्र से जानता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब के साथ मिश्रा जी हमीदिया कॉलेज में क्रिकेट खेला करते थे। हम लोग किट बैग उठाया करते थे और थोड़ी बहुत बैटिंग बॉलिंग मिल जाया करती थी। और फिर जब मोहनीश एज अ छोटे क्रिकेटर हम लोगों के सामने आए, हम तब से उसको देख रहे हैं। एक्सेप्शनल टैलेंट, कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं। जैसा आपको कक्का जी ने बताया कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जो उनके करियर को वहां तक नहीं ले जा पाई, भाग्य का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज भी हम देखते हैं सचिन इतना लंबा खेले तो उनकी वजह से कई उनके लगभग बराबर के टैलेंट नहीं खेल पाए होंगे, वो उनका दुर्भाग्य और ये सचिन का भाग्य, ऐसे ही होता है। तो एक एक्सेप्शनल टैलेंट जो भोपाल मध्य प्रदेश से रहे और रीवा संभाग से इन्होंने संभागी क्रिकेट ज़्यादा खेली और रीवा संभाग ने उनकी टैलेंट को भी समझा और बाद में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने और BCCI ने भी उनके टैलेंट का काफ़ी उपयोग किया। मोहनीश के कोच कक्का जी ने मोहनीश मिश्रा के क्रिकेट की तारीफ की और कहा कि मोहनीश के क्रिकेट खेलने का अंदाज अलग है। मोहनीश ने ICL, IPL और कई इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। मोहनीश ने रीवा संभाग के लिए कप्तानी की और कई सेंचुरी लगाई और जीत दिलाई। वहीं मोहनीश के बचपन के दोस्त राहुल श्रीवास्तव ने मोहनीश मिश्रा को एक अच्छा क्रिकेटर होने के साथ एक अच्छा इंसान भी बताया है। तो लगभग 13 साल की उम्र से उनका क्रिकेट में जो जो सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ी हैं, जो जो परफॉर्मेंस दी हैं, उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली उनको खेल को मॉनिटर करते हैं, उनमें से एक मैं भी। और मेरी अपनी समझ में शायद मोहनीश एक ऐसा दुर्भाग्यशाली खिलाड़ी है कि उसने, मैं थोड़ा इसको आप क्रिटिसिज्म भी ले सकते हैं कि गलत समय पर गलत निर्णय लिया। जैसे ICL ज्वाइन यदि मोहनीश न किया होता तो वो 100% इंडिया का कम से कम लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेटर होता। मैं तो मानूंगा ही नहीं संन्यास लिया है, पहली बात तो ये तो सेकंड इनिंग्स की शुरुआत है। संन्यास टेक्निकली मैं तो नहीं कहूंगा, वो शायद इमोशनल भी है और इमोशनल हो जाए तो यही कहते हैं अपन मेरे हिसाब से कि भाई ब्रेकिंग पीरियड है, नेक्स्ट 2 ईयर्स इज़ द ब्रेक वेर यू कैन एन्जॉय रिलैक्स। फिटनेस और बॉडी भी बहुत बहुत इंड्योरेंस से गुजरना पड़ता है क्रिकेट में, जो भी स्पोर्टी हैं वो जानते हैं, तो ही नीड्स लिटिल रेस्ट। मोहनीश मिश्रा ने दखल न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए बताया कि उनको क्रिकेट ने सब कुछ दिया, अब समय आ गया है कि वे क्रिकेट को वापस करें। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में भी सबकी तरह उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। युवा क्रिकेटरों के दिलों की धड़कन, मोहनीश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्होंने रिटायरमेंट या संन्यास लेने की घोषणा की है, हम उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा इमोशनल पल था, आपको देखा मैंने, आंख से आंसू निकल रहे। हाँ जी, किसी भी क्रिकेटर के लिए क्रिकेट से संन्यास लेना बहुत मुश्किल होता है, उसकी लाइफ होती है। और 22 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैंने क्रिकेट छोड़ा नहीं है, अब तो मेरे को अब देने का टाइम आया, लेकिन इमोशनल हूँ क्योंकि इतने साल से मैंने सब कुछ दिया क्रिकेट ने मुझे।
और लेकिन हाँ ये दो साल थोड़े से टफ गए, कोविड के दो साल वेट गैप हो गया प्लेयर्स का, काफ़ी प्लेयर्स ओवर हो गए एज में, तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना ज़रूरी है। अब मुझे ज़रूरी है कि मैं बच्चों के लिए जो मैंने सीखा है, जो मुझे क्रिकेट ने दिया है, मैं उसको अच्छा कर सकूँ। नहीं, अभी इतनी कम उम्र में संन्यास लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए क्या है कि हर प्लेयर का एक करियर होता है और उसका पीक टाइम जब रहता है जब वो परफॉर्म करता रहता है, और आप 35 इयर्स तक कहीं आप उस लेवल पे खेल रहे हैं और इंडियन टीम में हैं, आप बने हुए हैं, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं दो चार साल। लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको अभी दो साल कोविड के चक्कर में भी आप मैच कम बैक अपने मैचेस नहीं मिले आपको, तो वो ज़रूरी है कि यंगस्टर्स को मौका मिले जो और अच्छा कर रहे हैं और जो जिनका फ्यूचर है कंट्री के लिए। क्योंकि मुझे सब कुछ खेलने को मिला, अंडर 19 इंडिया, इंडिया ए, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, IPL, तो आई एम सेटिस्फाई विथ माई परफॉर्मेंस। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया हूँ वो चीज़ मैं आने वाले अपने बच्चों के लिए करूँ और उनको सिखाऊँ, जो मैंने जो मेरे में कमियाँ थी वो उनमें कमियाँ नहीं आन दूँ और उनको इंडिया के लिए कोशिश करूँ बनाने की अच्छा प्लेयर। मैंने क्रिकेट खेली है, मैंने आपको इसमें अरेरा क्लब में खेलते हुए देखा है, तब मैं बहुत छोटा था, मैं आप जब शॉट्स मारते थे तो हम शॉट्स की तारीफें कर देते हैं। अभी कोरोना काल में दो साल से क्रिकेट नहीं खेला गया, अभी जब आप संन्यास ले लिए उसके बाद कुछ योजना है क्या, नया क्या करेंगे? जी देखिए, मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखूंगा क्योंकि मैं BSL में कार्यरत हूँ और मैं BSL के लिए खेलता रहूँगा, और कोई सा भी बड़े टूर्नामेंट्स खेलने को मिलते हैं इंडिया इंडिया के बाहर भी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और मैं मेहनत करता रहूँगा। और जो भी MPCA से मुझे आगे आने वाले टाइम पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो कोचिंग की हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, तो उसको मैं अच्छा करने की कोशिश। आपने रीवा डिवीजन से कैप्टन भी रहे, हिमाचल प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की टीम की कमान संभाली थी, उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा उसमें? जी, मैं मध्य प्रदेश की टीम की कमान संभाली मैंने T20 में, और हम लोग फाइनल तक खेले थे T20 में, और हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसमें। मेरे कोच मुकेश सहनी थे, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे लिए, और भोपाल के क्रिकेटरों में राजा अली, जयप्रकाश यादव और संजय पांडे, इनने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। ब्रजेश तोमर और मेरे साथ खेलने वाले और क्रिकेटर जो हैं, इनका काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे को क्रिकेट में। और अंकुर क्लब से जैसे बाबा सिंहदेव जी हो गए, मेरे सीनियर क्रिकेटर्स हो गए, ज्योति प्रकाश त्यागी हो गए, और बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका नाम अभी मैं लेना, मतलब जो साथ में खेलते रहे, उनका सपोर्ट काफ़ी रहा। और हमारे कल्चर बहुत अच्छा रहा भोपाल में कि अच्छे प्लेयर को बैक करते हैं, तो अंकुर क्लब में ये एक चीज़ मेरे को हमेशा मिला कि जब भी टफ टाइम आया अंकुर क्लब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं और जो आए नहीं हैं, सबके लिए इमोशनल पल है ये कि मेरा लाइफ का ये सेकंड स्टार्ट हो रहा है, तो उसको फेस कर रहा हूँ। और सभी अकेडमीज़ को भोपाल की जिन जहाँ जहाँ मैंने प्रैक्टिस की है, चाहे अरेरा अकेडमी हो, चिनानी सर हो, चाहे ओल्ड कैंपियन हो, चाहे अंकुर क्लब हो, चाहे BHEL हो, सभी को थैंक्स करना चाहूँगा, मेरे सीनियर्स को थैंक्स करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। क्रिकेट में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, हर क्रिकेटर के जीवन में आते हैं, सचिन के भी आया था। ICL IPL के दौरान आपने क्रिकेट खेली, IPL में थोड़े कुछ विवाद भी हुए, उसके बाद कम बैक अच्छा किया आपने, अच्छा कम बैक किया उसमें सर। देखिए क्या होता है कि लाइफ में स्पोर्ट्समैन बहुत दिल से सोचता है और छोटी छोटी गलतियों से उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। मेरी एक छोटी गलती के कारण मुझे एक साल का नुकसान हुआ और मैं फिर उसके बाद IPL नहीं खेल पाया। लेकिन मैं यही आने वाले यंगस्टर्स को बोलना चाहूँगा कि आप अपने मेंटोर से डिसाइड करो लाइफ में, और कमबैक के लिए हमेशा रेडी रहो। आपका परफॉर्मेंस अच्छा भी होगा और ख़राब भी होगा, और आपको मैच्योर रहना है, आपको हार्डवर्कर रहना है, और कमबैक जब भी आपको ख़राब टाइम आए आपको और स्ट्रांगली कमबैक करने के लिए मेहनत करनी। कोई यादगार पल क्रिकेट का जो बहुत शानदार रहा? सर जब IPL में मैंने मैन ऑफ द मैच हुआ था, जब मुरलीधरन को एक ओवर में 2-3 छक्के और 2 चौके मारे थे, तो वो मेरा ज़िंदगी भर का एक ड्रीम है और वो हमेशा याद रहता है। कि कभी भी सोता हूँ, सो के उठता हूँ, तो वो चीज़ याद आती है कि यार मैं अभी वहाँ क्यों नहीं हूँ। लेकिन हर प्लेयर के साथ ज़िंदगी में वो पल आता है, तो भगवान से मैं थैंक्स बोलूँगा कि Under-17 एशिया कप में भी मैंने फाइनल देश को जिताया था, वो पल मेरे लिए यादगार था। तो ये दो पल ऐसे हैं कि कभी भूल ही नहीं सकता मैं। और रवि शास्त्री जी ने मुझे अवार्ड दिया था और उन्होंने कमेंट्री, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, उस टाइम पर रवि शास्त्री जी एंकर थे और लास्ट टाइम भी IPL में भी वही एंकरर थे। तो बहुत सारे पल ऐसे, 22 साल में बहुत पल आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पल है मेरे लिए। बड़े क्रिकेटरों के साथ आपने मैच खेला, सचिन के साथ खेला, धोनी के साथ खेला, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर दे ऑल आर वेरी गुड पर्सन, और ये बड़े क्रिकेटर के साथ लेजेंड इसीलिए कि इंसान भी बहुत अच्छे हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धोनी हो, चाहे राहुल द्रविड़ हो, और भोपाल MP से अमय कुरासिया, नरेंद्र हिरवानी, JP यादव, संजय पांडे, देवेंद्र बुंदेला, इन सब के साथ मैं क्रिकेट। JP यादव के साथ मैंने देखा है आपको खेलते हुए। जी अरेरा वो मेरे सीनियर हैं, उनसे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला लाइफ में। और
चीज़ें हैं सर, अच्छी भी होंगी ख़राब भी होंगी, तो आपको मैच्योर होकर जल्दी सीखना है। आज का टाइम बहुत फास्ट है क्रिकेट में। क्रिकेट एसोसिएशन अगर कोई जवाबदारी देता है आपको प्रशिक्षण के लिए बच्चों के लिए, तो आप क्या स्वीकार करेंगे? बस मैं जो भी मिलेगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको मैं अपना 100% दूंगा, और क्रिकेट ने दिया है तो क्रिकेट को देना है बस। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मोनीश मिश्रा क्रिकेटर। इनका सा बोलना है कि अभी उन्होंने संन्यास लिया है, लेकिन क्रिकेट से संन्यास लिया है, उन्हें अभी प्रशिक्षण देंगे, सेवाएं उनकी क्रिकेट में जारी रहेंगी। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। अपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण, परियोजना उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।